हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट रो वैकेंसी बाहर था, तार एवं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। पोस्ट को आपन ऑनलाइन अप्लाई केमिति करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बताइबी। तापूर्व जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन प्रेस करने को भूलु ना। चलो ये पोस्ट को आप केमिति अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानवा। फ्रेंड ये देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा ऑफिशियल फ्रेड अच्छी वीडियो डिस्क्रिप्शन यार लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप सोचे पहुंची पारे ना। आप गूगल सर्च करेंगे e-niyukti.in जो पटे आप प्रथम आसो से क्लिक करी आप पोस्ट में पहुंची पारे। ये आप शो कर ए आई रिक्वयरमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कर पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। अन्य जब ईडब्ल्यूएस ओबीसी के पोस्ट वैकेंसी रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार, एग्जाम पैटर्न आपको कमी रही, रिक्वायरमेंट प्रोसेस कौन रहा है, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। सिलेबस भी रही है, आप सिलेबस डाउनलोड कर भल रीड आउट करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भल रीड आउट करेंगे। जदि आप पोस्ट को अप्लाई करने एलिजिबल होते हैं, अप्लाई लिंक शो कर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर यह पेजटा आप ओपन होटा शो कर ए आई ए टी सी आप्लिकेसन फर्म आप शो कर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जहाँ रही है इंस्ट्रक्शन आप पढ़ने जो स्टार्ट होती 1 नवंबर 2023 स्टार्ट होती लास्ट डेट रहा 30 नवंबर 2023 जाए रहा है। आप हेल्पलाइन नंबर रही है, आप किसी टेक्निकल प्रोब्लेम फेस करते ये नंबर आप कंटाक्ट करेंगे। फास्ट आप रजिस्टर करा पड़ो, टू रजिस्टर आप शो कर क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर यह पेजटा आप ओपन होटे इंस्ट्रक्शन भलि पढ़ने ये रजिस्ट्रेशन फर्म आप शो कर पोस्ट नेम को पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे। आप पोस्ट में आप सिलेक्ट करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट को आप शो कर कैंडिडेट एप्लिकेंट फुल नेम जहाँ आप फुल नेम रही है आज पर 10th सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट जहाँ आप फुल नेम रही है फुल नेम आप एंटर करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे नहीं, फुल नेम आप एंटर करेंगे। वैलिड मोबाइल नंबर देते, मोबाइल नंबर आउ थ कन्फर्म करेंगे। जदि आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दौरान दे पारे ब्लैंक छाड़े। वैलिड ईमेल आईड देते, ईमेल आईड आउ थ कन्फर्म करेंगे। आप जेनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जेनरेट ओटीपी पर क्लिक कला पर आप कैप्चा शो करेंगे, कैप्चा देखते कैप्चा फिलअप करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कला पर आप ओटीपी जीव मोबाइल नंबर आप इमेल आप ओटीपी आई थोड़ा ओटीपी देखिए आप ओटीपी एंटर करेंगे। तापर आप वैलिड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिड होता है आप डिक्लेरेशन आप शो करेंगे, डिक्लेरेशन आप भल रिपोर्ट ने आई एग्री पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे, तापर आप रिवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। रिवेरीफाई पर क्लिक कला पर आप पोस्ट में अप्लाई करते आप शो करेंगे आप ना मोबाइल नंबर इमेल शो करेंगे। ये बक्स आप टिक करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे सब बक्स टिक करेंगे। तापर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट नोटिस आप भल रिपोर्ट ने तापर आप आईग्री पर क्लिक करेंगे। नोट्रे शो करेंगे रजिस्टर सक्सेसफुल आपगला रजिस्टर नंबर आप नोट डाउन कर रखने मेल आप एसएमएस दाइ थो लॉगिन आईडी आप पासवर्ड आप एसएमएस दाइ आप नोट डाउन कर रखने आप रजिस्टर नंबर रजिस्टर नंबर आप नोट डाउन कर रखने आप क्लोज अप्रे क्लिक करेंगे। क्लोज अप्रे क्लिक कला आप एप्लीकेशन डिटेल्स आप शो करेंगे। ये आप शो कर गो टू एप्लीकेशन आर आप क्लिक करेंगे। गो टू एप्लीकेशन क्लिक कला आप इंस्ट्रक्शन शो करेंगे, इंस्ट्रक्शन भल रिपोर्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फास्ट भरेंगे। तापर आप कम्युनिकेशन डिटेल्स भरेंगे, क्वालिफिकेशन एक्सपेंडिचर भले डॉक्यूमेंट पेमेंट करापर आप एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट हो स्टेप बाय स्टेप आप भरा पड़ो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फास्ट भरेंगे जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन भरते हैं शो करते हैं तो आप स्कोल करेंगे। एक जेंडर जहाँ आप जेंडर रही है मेल फिमेल जहाँ आप जेंडर रही जेंडर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही है कैलेंडर आप डेट मंथ ईयर आप कैलेंडर आप डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। 30/11/2023 सुधा आप कितने वर्ष कंप्लीट आप शो करेंगे। नेशनलिटी आप सिटीजन ऑफ इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आप कौन रही है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जहाँ आप कैटेगरी अच्छे आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी डिटेल्स आप पीरियड कैटेगरी बिलंग्स करते हैं 40% एवं डिजेबिलिटी आप अच्छे तरह ये सब क्लिक करेंगे। ये सब क्लिक करेंगे टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी कौन रही है आपंक पर्सन आप कहते हैं आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। पीरियड कैटेगरी बिलंग्स करते हैं नो पर आप क्लिक करेंगे। जब आप एक्सेप्शन देते हैं तरह डिटेल्स आप भरेंगे। जब आप एक्सेप्शन ही देते नो पर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स आप फुल नेम शो करते हो जहाँ आप फादर्स नेम रही है फादर्स नेम देते मदर्स नेम एंटर करेंगे। मैरिड स्टेट आप कौन रही है मैरिड अनमैरिड आ भितर आप जहाँ अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इमेल आप शो करते हो। टेस्ट सिटी प्रिफरेंस आप जो टेस्ट देते कौ सिटी आप दौरान फास्ट आप स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। ओडिशा आप फास्ट आपशा आप सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट सिटी प्रिफरेंस आप रही है बालेश्वर रही ओडिशा ब्रह्मपुर रही भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल अलका संबलपुर आप हिसाब से आप फास्ट टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। तापर आप सिटी आपड़ सिलेक्ट करेंगे। सेम आप पांचटा टेस्ट सिटी प्रिफरेंस आप चूज करेंगे। ए आई कैंडिडेट डिटेल्स आर ओन ए आई इंटरनाल कैंडिडेट आप इंटरनाल कैंडिडेट होते हैं ए आई जब करते हैं आप सब क्लिक करेंगे ना नो पर क्लिक करेंगे। आप ये सब क्लिक करते हैं डिटेल्स आप भरेंगे। जब आप जब करते हैं ए आई इंटरनाल कैंडिडेट होते हैं नो पर आप क्लिक करेंगे।
हाव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया रे आपण 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपण कंप्लीट करिसेंति जदि आपण कहिथिबे यस पर क्लिक करिवे ता डिटेल्स आपण अप्रेंटिस नंबर भरिवे जदि आपण करनथिबे नो पर आपण क्लिक करिवे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स आर यू वन एम्प्लॉय ऑफ एआई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपण यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि आपण स्टेट गवर्नमेंट हो ऑटोनॉमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रे कि आपण एआई रे आपण एम्प्लॉय अछि त थे भीतर आपण यस पर क्लिक करिवे ता डिटेल्स आपण भरिवे ना आप नो पर क्लिक करेंगे तरह आप सेव आर नेक्स्ट अप्रे क्लिक करेंगे। सेव आर नेक्स्ट अप्रे क्लिक कला आपकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ग्रीन शो कर कम्युनिकेशन डिटेल्स आपड़ी भरवे करेस्पोंडेंस एड्रेस मैंने आप प्रेजेंट एड्रेस आपड़ी भरवे एड्रेस लाइन आप आर्ट पोस्ट डिश आप सिलेक्ट करेंगे कंट्री आप कौन रही है आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे स्टेट आप स्टेट आपड़ी ओडिशा सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट रही है आप हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे जहाँ आप पिनकोड रही है पिनकोड देते ये आप सो कौज इज परमानेंट एड्रेस सेम आज करेस्पोंडेंट एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस करेस्पोंडेंट एड्रेस आप भरले आप परमानेंट एड्रेस सहित सेम अच्छी आप ये सब क्लिक करेंगे दुटाक एड्रेस आप सेम हो जब अलग अलग अच्छी नो पर क्लिक करेंगे अलग आप परमानेंट एड्रेस भरवे आप सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। सेव आर नेक्स्ट उपर क्लिक कला आप कम्युनिकेशन डिटेल्स आप सेव होगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप भरवा अच्छी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप मैट्रिकुलेशन स्टार्ट करेंगे मैट्रिकुलेशन 10 डिटेल्स आप भरवे नेम ऑफ बोर्ड काउंसिल आप बोर्ड कौन रही है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कि आप जहाँ बोर्ड अच्छी आप एंटर करेंगे ईयर ऑफ पासिंग को ईयर आप 10th पास आउट हेले आप ईयर आप सिलेक्ट करेंगे इंस्टिट्यूट नेम ये आप स्कूल नेम आप एंटर करेंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन स्कूल आप सब्जेक्ट था सब्जेक्ट आप देते कमा देवे स्पेस देखिए आप सब्जेक्ट सब एंटर करेंगे ना आप लिखिपर ऑल जनरल सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आप पर्सेंटेज अच्छी ना सीजीपी अच्छी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे मार्क अपन केते मार्क आप सिक्योर करते मार्क आप सिक्योर करते टोटल मार्क आप पर्सेंटेज आप ऑटोमेटिक काउंट हो ट्वेल्थ डिटेल्स आप भरवे नेम ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल आप बोर्ड काउंसिल कौन था सीएचएससी ओडिशा कि आप आउ जहाँ था आप बोर्ड काउंसिल नेम आप एंटर करेंगे कोई ईयर आप पास आउट हेले इंस्टिट्यूट नेम कॉलेज नेम आप एंटर करेंगे सब्जेक्ट आप कौन था जहाँ आप सब्जेक्ट था सब्जेक्ट सब आप मेंशन करेंगे प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आप कौन था पसंद था सी जीबी था आप सिलेक्ट करेंगे यदि आप पर्सेंट सिलेक्ट करते मार्क आप सिक्योर करते टोटल मार्क आप पर्सेंटेज आप ऑटोमेटिक काउंट हो तापर रहा आप एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये पोस्ट को अप्लाई करने जहाँ तरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भरवे बीएससी नगला बीटेक कि बी आप दरकार प्लीज सिलेक्ट स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री आप डिग्री करपेयरिंग अच्छी ना आप पास होते आप सिलेक्ट करपेयरिंग सिलेक्ट करते डिटेल्स आप भरवाक आप ऑप्शन आसो मोड ऑफ कोर्स आप कौन रही है रेगुलर कि आप कौन रही है रेगुलर आप सिलेक्ट करेंगे डिग्री ने आप कौन रही बी बीटेक करते कि बीएससी इंजीनियरिंग करते बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप पढ़ते आप सिलेक्ट करेंगे कॉलेज नेम देते प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आप पर्सनल सीजीपी अच्छी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे आप भरवे ये आप सब कुछ आई एग्री टू प्रोड्यूस द डिग्री मार्कशीट फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड आई एम वर्क द फॉलोइंग टू डू सो रेंडर माय कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द फर्दर प्रोसेस आपयरिंग सिलेक्ट कले आपटिंग आसेंगे टिक करेंगे जितने आप फाइनाल आपड़ा डकुमेंटेशन देते हैं फाइनाल रिजल्ट आप डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको शो करा पड़ो आप अंडरटेकिंग टिक करेंगे जदि आप पास होते पास आप सिलेक्ट करेंगे मोड ऑफ कोर्स आप रेगुलर आप सिलेक्ट करेंगे डिग्री नेम आप कौन रही है आप डिग्री नेम सिलेक्ट करेंगे इंस्टिट्यूट नेम देते कॉलेज नेम आप एंटर करेंगे कोई ईयर आप पास आउट हेले ईयर ऑफ पासिंग आप पास आउट हेले ईयर ऑफ पासिंग आप सिलेक्ट करेंगे पर्सेंटेज आप कौन अच्छी पर्सेंटेज सीजीपी अच्छी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे जब आप सीजीपी सिलेक्ट करते हैं काइंडली कैलकुलेट योर सीजीपी एंड फिल द पर्सेंटेज आप सीजीपी ऑप्टेन के रखते सीजीपी ऑप्टेन आप सीजीपी रखते आप देते टोटल सीजीपी आप इक्वल एंड पर्सेंटेज आप काउंट ही आप ऑटोमेटिक आसने इक्वल एंड पर्सेंटेज फॉर सीजीपी आप कौन करेंगे इक्वल एंड पर्सेंटेज आप जहाँ रही मार्कशीट आप मेंशन थोड़ा कैसे मल्टीप्लाई कले आप इक्वल एंड पर्सेंटेज आसो सेटा देखिए आप मल्टीप्लाई कर इक्वल एंड पर्सेंटेज आप एंटर करेंगे। हाव यू फास्ट इंग्लीश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड आप इंग्लीश सब्जेक्ट आप 10th रे कि आप 12th रे पढ़ते जब आप पढ़ते हैं आप ये सब क्लिक करेंगे पढ़ने नो पर आप क्लिक करेंगे। हाव यू प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन रिटन इंग्लीश ऑफ द लेवल ऑफ 10th प्लस स्टैंडर्ड आप प्रोफिशिएंसी बोथ स्पोकन और रिटन आप इंग्लीश आप अच्छी 10th प्लस स्टैंडर्ड में प्रोफिशिएंसी आप अच्छे इंग्लीश लैंग्वेज में आप ये सब क्लिक करेंगे नथिंग नो पर आप क्लिक करेंगे यहाँ मैंडेटरी रही है आप ये करवा दरकार एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप किसी हायर क्वालिफिकेशन आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आप करते हैं डिटेल्स आप भरवे आपयरिंग पास आप सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स आप भरवे आप हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी ना ब्लांक आप छाड़े
एक्सपीरियंस देखिए आपको किसी एक्सपीरियंस अच्छी आप एसएफएल क्लिक करेंगे एसएफएल क्लिक करेंगे डिटेल्स आप एक्सपीरियंस डिटेल्स आप भरेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कौन रही टाइप से कौन रही प्राइवेट गवर्नमेंट को पोस्ट रे थे केवे आप जॉइन कले के छाड़े आपटी आप पे स्केल आप देते दु तीन एक्सपीरियंस आड न्यू रो पर क्लिक करेंगे आप दु तीन एक्सपीरियंस भरेंगे जब आप वर्क एक्सपीरियंस ना आप नो पर क्लिक करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कलापर आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट डिटेल्स ऑप्शन आसो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे क्लिक हो तो अपलोड पर क्लिक करेंगे आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे फोटोग्राफ जो साइज आप रहा दरकार 50 KB 100 KB फोटोग्राफ साइज रहा दरकार व्हाइट बैकग्राउंड आपको रही दरकार शो कर व्हाइट बैकग्राउंड आप रही आप बेटर हम आपड़ा व्हाइट बैकग्राउंड शो कर व्हाइट बैकग्राउंड फोटो आपड़ी अपलोड करेंगे अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे क्लिक हो तो अपलोड पर क्लिक करेंगे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड कर सारा आप शो कर व्यू अपलोड फोटो आर पर क्लिक कर फोटोग्राफ आप प्रिव्यू करने आप सिग्नेचर भी आप प्रिव्यू करने पेमेंट डिटेल्स आप पेमेंट के शो करते हैं आप ओबीसी अनुजीव कैटेगरी बिलंग करते हैं आपको 100,000 टाका आपको आप्लिकेशन फी देवा पड़ो आप एससी एसटी कैटेगरी बिलंग करते फीमेल कैंडिडेट तेल आपको आप्लिकेशन फी आप लगे आप फ्री में अप्लाई करेंगे पेमेंट मोड आप चूज योर पेमेंट मोड आपल चूज करेंगे डिक्लेरेशन जहाँ रही डिक्लेरेशन आप भर भर पड़ने सब आप टिक करेंगे आप कैप्चर फिलअप करेंगे आप प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे आप आप्लिकेशन फॉर्म प्रिव्यू हो भाला चेक आउट करने जहाँ आप कहते भाव से चेकआउट करेंगे सिग्नेचर आप शो करते हैं चेकआउट करने ओके पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक कालापर आप आप्लिकेशन फॉर्म आप प्रिव्यू कर देखते हैं सबमिट पर क्लिक करेंगे जब आप किसी एडिट कर बैक जाए आप जो आप भूल करते एडिट करेंगे जब आप सब ठीक ठाक करते सबमिट पर आप क्लिक करेंगे ये आप इंस्ट्रक्शन आसो इंस्ट्रक्शन भल भाव पढ़ने आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे आई एग्री पर क्लिक कालापर आप एस बी पे लाइट आप ओपन होगा नेट बैंकिंग थ्रो आप पेमेंट करेंगे एस बी नेट बैंकिंग अदर बैंक नेट बैंकिंग स्टेट बैंक डेबिट कार्ड अदर बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपीआई एसबीआई ब्रांच आप करेंगे जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे से ऑप्शन आप चूज करेंगे जब आप क्रेडिट कार्ड कि डेबिट कार्ड करेंगे तो डिटेल्स आप भरेंगे कार्ड नंबर कार्ड डिटेल्स आप भरेंगे आप पे ऊपर क्लिक करेंगे पे ऊपर क्लिक कालापर आप पेमेंट वेरीफाई हो पेमेंट वेरीफाई पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट होगापर आप आप्लिकेसन फर्म प्रिंट करेंगे आप ऑप्शन आसो आप्लिकेसन फर्म को प्रिंट करके आप रखने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्राफिक कंट्रोल पोस्ट ऑनलाइन अप्लाई आप केमी करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बतई सारी जदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारंतु ये भिडियो आप भल लगी ये भिडियो को लाइक करूँ आप सब फ्रेंड मैं सेयार कर दिंतु ये चैनल को सब्सक्राइब करा भूलुनि धन्यवाद।